अभी हम लोग हैं वाराणसी कैंट पर, डिपो पर। यू कैन सी हियर, डिपो पे हैं हम लोग। अभी 5:55 की ट्रेन है, जाना है वहीं पर, चल रहे हैं आगे। हालांकि दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए पैदल में टूर करूंगा। अभी हम लोग कैंट पे आ चुके हैं, रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। थोड़ी वॉकिंग वगैरह हो गई, ये चाय वगैरह पी लिया हूँ। ये नाक से क्यों से टकरा है? हालांकि अभी ट्रेन में टाइम है, लेकिन मैं वहीं अभी बैठने वाला हूँ, थोड़ा इंतजार करूंगा। बाकी कैंट के नज़ारे आपको दिखा देता हूँ। मास्क वगैरह बहुत कम लोगों पे दिख रहा है। मेजोरिटी बिना मास्क वालों की ज्यादा है। अब प्लेटफॉर्म पे आपसे मिलूंगा। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 में एंट्री किए हैं, अनौसी जंक्शन में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर थे, अभी ओवर ब्रिज पे चढ़ गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे हमारी ट्रेन आएगी, उधर ही और चलना है। चलिए वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे फिर मिलते हैं। बाकी थोड़ा सा व्यू आप बाहर का देख सकते हैं। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे मिलते हैं। ये है 6 और 7, तो आगे होगा 8 और 9। ये रही हमारी हमसफर एक्सप्रेस जो बनारस से नई दिल्ली को जाएगी, और इसी में हम लोग का रिजर्वेशन भी है। और ये B12 हमारा है, चलेंगे B12 में, लेकिन अभी ट्रेन को प्रॉपर तरीके से खड़े हो जाने दीजिए, थोड़ा सैनिटाइज वगैरह करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे इसमें। बाकी वेट ही करना है थोड़ी देर, क्या कर सकते हैं। ये हमसफर एक्सप्रेस है, इसके बाद महामना भी जाएगी इसी प्लेटफॉर्म से, लेकिन 1 घंटे बाद। हमारा टिकट इसी हमसफर में है, वेट करते हैं, क्या करें। अभी ट्रेन में बहुत टाइम है और हमारी ट्रेन सैनिटाइज हो रही है धीरे धीरे, सैनिटाइज के ज़रा अंदर बैठ कर। ट्रेन में अभी टाइम है, वेट कर रहा हूँ, सामने ही खड़ी है। चलिए अब ट्रेन के अंदर ही मिलेंगे। ये भी लोग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा मैं इधर उधर कर रहा हूँ। चल रहे हैं हम लोग अपने कंपार्टमेंट की ओर। हमारी हम सफर खड़ी है, ट्रेन नंबर है, चलते हैं देखते हैं कहाँ पर है हमारी सीट।
55 वाली है ना ये जी। वही कंफ्यूजन हमको देखे अभी भी कोई कंफर्म नहीं है नहीं कहीं कहीं जगह महामना ही दिखा रहा है। महामना की ये क्लोन है ना, महामनी की, महामना की ये क्लोन है। इसको हम सफर या क्या क्या बोल रहे हैं सब, लेकिन ये क्लोन है। चलो और इसी में रह गया मेरा टिकट। बड़ी दिक्कत है। 40 वाला हम कराए थे, 40 वाला हम कराए थे, कैंसिल किए थे, अभी आज ही किए थे, नहीं भी प्रोग्राम खाली होगा। हमारा दो टिकट था। अच्छा तो आप 40 कराए थे तो वो आरएसी में ही लगा होगा ना। 40। अच्छी बात दोस्तों ये है कि मेरा टिकट आरएसी में था, लेकिन अब स्टेटस पे कंफर्म बता रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। यार इतना एक्सपेंसिव टिकट भी लो और आरएसी में रह जाए तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन अब कंफर्म हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, ये बनारस का प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, आप देख सकते हो। हमारे कंपार्टमेंट में धीरे धीरे टेम्परेचर भी बैलेंस हो रहा है, ज़रूरी भी है बैलेंस होना, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो बैलेंस धीरे धीरे हो रहा है। ये देखिए यहाँ रीडिंग लाइट भी दे के रखा है इन्होंने, चाहो तो रीडिंग लाइट जला करके कुछ पढ़ भी सकते हो। कंपार्टमेंट में टेम्परेचर तो भाई बढ़िया मेंटेन हो रहा है, धीरे धीरे ठंड लगनी कम हो गई है। और ये रीडिंग लाइट है, स्विच इसका तब क्यों नहीं रहा है, दब गया। ऑल राइट गाइस, तो मैं अपने सिंहासन पर लेट चुका हूँ, और अभी कुछ खास टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं लेट गया हूँ। पीठ सीधा करने का मन कर रहा था तो बस लेट गया हूँ। अभी बैठने वाला ही माहौल है पूरे कंपार्टमेंट में, लेकिन मैं लेटा हुआ हूँ थोड़ा सा कंफर्ट के लिए। भाई रेलवे की मुझे ये चीज़ बहुत बेकार लगी, ब्लैंकेट एंड पिलो ना देना। अरे यार कोरोना है तो क्या हुआ है, एक बार सैनिटाइज करके उसे दे सकते हो, हर यूज़ पे एक बार सैनिटाइज करो, पैसे चार्ज करो। फिलहाल ओरियो खाया जा रहा है, वैसे ओरियो का कोई प्रचार वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओरियो खाया जा रहा है, अच्छा बिस्किट है। और ये देखिए एक बाइट के बाद ये ओरियो ऐसा हो गया, बस पास टाइम में यही कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। 5:55 अपने ट्रेन का टाइम था, और वाकई ट्रेन 5:55 पे अपने राइट टाइम से निकल गई है। अब देखते हैं वहाँ कितने बजे तक पहुँचती है, डिले तो होगी क्योंकि ठंडा बहुत है, कोहरा बहुत पड़ रहा है, तो ट्रेन को डिले तो होना पक्का है, लेकिन देखते हैं कब तक पहुँचती है। सब निकल चुकी है ट्रेन, धीरे धीरे हेलो गाइस, रात के 8 बज चुके हैं, और रात के क्या शाम के ही 8 बजे हैं, और मम्मी ने जो भोजन वगैरह बना के दिया था हमने खा के ख़त्म कर दिया। इतना होने के बाद भी थोड़ा एसी को और बढ़ाना चाहिए, हल्की सी फीलिंग हो रही है गर्मी की, जैकेट लग रहा है उतारना पड़ेगा। वेल रात में भी शूटिंग करने की सोच रहा हूँ, जगूंगा तो ज़रूर करूँगा शूटिंग। फिलहाल तो सोने की प्लानिंग में है, 8 बजे वैसे सोते तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि सो जाएं। ट्रेन लगभग 4 बजे के आसपास आ चुकी है, थोड़ी दूर है, 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स। फाइनली जैकेट उतार दिया मैंने, यार
गर्मी से फील हो रही है, एसी का थोड़ा टेम्परेचर घटाना चाहिए, थोड़ा ठंडा पड़े तो जैकेट पहने, बट अभी बहुत गर्मी सी महसूस हो रही है, थोड़ा जैकेट उतारना पड़ा, बट इतनी भी गर्मी नहीं है कि मैं शर्ट उतार दूँ, लेकिन ठीक है, टेम्परेचर बैलेंस थोड़ी देर में हो जाएगा, थोड़ा रात भी होगा तो अभी रात के करीबन 7:15 हो रहे हैं, देखते हैं कब तक जगा रहता हूँ और शूट कर पाता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो रात काफ़ी हो चुकी है, अभी मैं जगा हुआ हूँ, देखिए सोने का माहौल बन चुका है पूरे कंपार्टमेंट में, सभी लोग सोने के लिए तैयार हैं, लगभग सब कोई अपने अपने ब्लैंकेट्स निकाल करके ओढ़ के तैयार है, सो रहा है, मैं शायद इकलौता जगा हुआ हूँ, सन्नाटा पसरा हुआ है, मुझे भी अब नींद आ ही रही है, लेकिन देखते हैं कब तक शूट करता हूँ वीडियो को। हालांकि वॉशरूम में एक बार गया हूँ, काफ़ी साफ सफाई यहाँ पर है, मैं एक बार फिर भी आपको दिखा देता हूँ, ऑल राइट गाइस, तो मॉर्निंग हो चुकी है, ट्रेन अपनी स्पीड पे चल रही है और मैं बस बैठ गया हूँ, अब ऊपर से नीचे आ गया हूँ, वैसे नीचे हो तो ज़्यादा मैं आपको दर्शन करा सकता था, लेकिन कोई नहीं, ट्रेन आप देख रहे हो अपनी स्पीड पे चल रही है, हालांकि देखिए कितने ओस और कोहरे की बूंदें हैं शीशे पर पड़ी हुई, इससे पता चलता है कितने ओस गिरे हैं और कोहरा आप तो देख ही सकते हो, कोहरा कितना तगड़ा है, वाह भाई, इसीलिए शायद ट्रेन डिले भी है, ट्रेन का टाइम 8:30 बजे था, 9:30 बजे के करीब पहुँचेगी न्यू दिल्ली, बहुत कोहरा है भाई, ट्रेन स्लो क्यों ना हो, अभी तो ये सुबह है, पता नहीं रात को कितना हुआ होगा, शीशे पे साफ साफ देख सकते हैं हम लोग तो। ऑल राइट, तो हम उतरने के लिए चल चुके हैं, हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली आ चुकी है, बहुत ठंडी है यार, एसी में बैठे बैठे कुछ पता नहीं चलता है, यहाँ समझो तब समझ में आता है भाई, बहुत ठंडी है, नई दिल्ली स्टेशन आ चुके हैं हम लोग, हमारी हम थोड़ी मेहनत बहुत पहुँचे हैं भाई, बहुत ठंडी बहुत है, बहुत ठंडी है बाहर, मजा आ रहा था अंदर, अब समझ में आया यहाँ से हम मेट्रो लेने वाला हूँ, यहाँ से जल्दी मेट्रो